वीरू से माफ़ी मांगी और वीरू शेर से इसी जंगल में रहने की गुजारिश करी। तब फिर से दोनों दोस्त इस जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और नई नई इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में दो शेर रहा करते थे। ये दोनों ही शेर बहुत ताकतवर और दयालु शेर थे। ये दोनों ही इस जंगल पर राज करते थे। इस जंगल के सभी जानवर अपने महाराज दोनों शेरों से बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। ये बाघ इन दोनों शेरों से बहुत जलता था और हमेशा ही उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की तरकीब सोचता रहता था। फिर एक दिन बाघ ने जंगल का नियम तोड़ा। उसने बिना राजा शेर की आज्ञा के जंगल के जानवर का शिकार कर लिया। जब ये बात दोनों शेरों को पता लगी तो उन्होंने बाघ को बुलवाया और उसे नियम तोड़ने की सजा दी। बाघ, तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है, आज के बाद तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। तुम्हें अभी के अभी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। राजा शेर, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम दोनों से इसका बदला लेकर रहूंगा। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। फिर एक दिन अचानक से इस जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है और उसने आते ही इस जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दिया। सभी जानवर इस डायनासोर से बहुत परेशान हो गए थे और सीधे अपने दोनों महाराज शेरों के पास आए और बोले, महाराज महाराज, हमारे जंगल में बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ गया है, उसने जंगल के कितने ही जानवरों को मार गिराया। हाँ हाँ महाराज, कुछ करो, नहीं तो हमें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं कहते, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, जब तक हम हैं वो डायनासोर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ हाँ, तुम घबराओ नहीं, हम अभी जाते हैं उस डायनासोर के पास और उससे बात करेंगे। तब ये दोनों उस डायनासोर के पास पहुंचे और बोले, हे डायनासोर, तुम हमारे जानवरों को क्यों मार रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तो तुम हो वो शेर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने खुद ही आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर डायनासोर ने दोनों शेरों पर हमला कर दिया। डायनासोर बहुत ताकतवर था, ये दोनों शेर इस डायनासोर का मुकाबला नहीं कर पाए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तब एक शेर दूसरे शेर से कहता है, अरे भाई, वो डायनासोर हमें क्यों मारना चाहता है, हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हाँ भाई, वो डायनासोर तो हमारी बात सुन भी नहीं रहा, वो तो हमें जान से मार डालता अगर हम वहां से ना भागते। तभी वहां पर एक जादुई सीढ़ी घर प्रकट होता है और उसमें से एक बूढ़ा शेर बाहर आता है। उसे देखकर दोनों शेर हैरान हो जाते हैं। तब वे बूढ़ा शेर उन दोनों से कहता है, क्या बात है मेरे बच्चों, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। हाँ हाँ बाबा, हम दोनों ही बहुत टेंशन में हैं। हमारे जंगल में वे डायनासोर आ गया है और वे हमें मारना चाहता है, लेकिन हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बच्चों, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। क्या बाबा, सच में, तो हमें बताओ। तो सुनो, तुम्हें याद होगा जब तुमने एक बाघ को इस जंगल से बाहर कर दिया था तो वे तुमसे बदला लेने के लिए वह बाघ डायनासोर के जंगल में चला जाता है और वह उस डायनासोर की गुफा के पास जाता है। वह डायनासोर उस गुफा में अपने बच्चे के साथ रहता है। तब बाघ उस डायनासोर से बोला, डायनासोर भाई, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ और मैं अपने जंगल का रास्ता भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन तक रह सकता हूँ? डायनासोर बहुत शांत स्वभाव का था, वे बाघ की बातों में आकर उसे अपने गुफा में रहने देता है और उसे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। फिर एक दिन उस बाघ के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक बहुत खुराफाती आइडिया चल रहा है, मैं इस डायनासोर के बच्चों को उन शेरों के जंगल में छिपा दूंगा और डायनासोर को बताऊंगा कि तुम्हारे बच्चे को पास वाले जंगल के शेर उठा लेकर चले गए। फिर ये डायनासोर
गुस्से में उनके जंगल को तबाह कर देगा। फिर उसने मौका पाते ही उस डायनासोर के बच्चे को तुम्हारे जंगल में एक गुफा में बंद कर दिया है, और फिर बाघ ने जाकर उस डायनासोर को तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया है, और वे डायनासोर अपने बच्चे की तलाश में तुम्हारे जंगल में आया है। क्या उस बाघ की यह हिम्मत, उसने हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा? बाबा हमें बताओ वे बाघ कहाँ छुपा है। तब ये बूढ़ा शेर उस बाघ का पता बता देता है। तब ये दोनों उस बाघ के पास जाते हैं। दोनों शेरों को आता देख बाघ मन ही मन सोचता है, अरे तो ये दोनों अभी तक जिंदा है, और ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? इन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर छिपा हूँ? दुष्ट बाघ, हमें सब मालूम हो गया है। तुमने हमसे बदला लेने के लिए उस डायनासोर के बच्चे को तुमने छिपा कर रखा है, और इल्जाम हम पे रख दिया। हाँ बाघ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब दोनों शेरों ने मिलकर उस बाघ पर हमला कर दिया और बाघ को वहीं पर खत्म कर दिया। फिर दोनों शेर उस गुफा के पास जाते हैं और डायनासोर को भी वहां पे बुलाते हैं। एक शेर उस गुफा का दरवाजा खोलता है, उसमें से डायनासोर का बच्चा बाहर आता है, और वे डायनासोर का बच्चा अपने पिता डायनासोर को पूरी सच्चाई बयान करता है। तब डायनासोर दोनों शेरों से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अनजाने में कर दिया है। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, मुझे माफ कर दो। तब डायनासोर सबसे माफी मांगकर अपने जंगल वापस चला जाता है, और अब इस जंगल में दोबारा से खुशहाली आ जाती है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।